जी नाज़रीन सख्तम यूथ हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल संगोट में। 24 तारीख को खौफनाक जलजिला आने के बाद काफ़ी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें सरकारी इमारतें भी मौजूद हैं और जो स्कूल हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। आज 16 रोज़ गुजरने के बावजूद जब अहल इलाका की हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है जो संगोट में, उसकी जो इमारतें हैं वो काफ़ी तो पुरानी हो चुकी हैं और उसमें काफ़ी दराड़ें भी मौजूद हैं। आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि खुले आसमान के नीचे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ जो बच्चे वो अपने स्कूलों के अंदर मौजूद है मगर काफ़ी वो ख़तरनाक हो चुकी हैं। इनके पास तकरीबन 300 तादाद है बच्चों की और इनको दो कैंप जो वो दिए गए हैं जो कि बच्चों के लिहाज से बहुत कम हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सरकारी स्कूलों का काम नहीं जारी हो सका, इसकी क्या वजूहत है और काफ़ी लोग जो हैं वो अहल इलाका हैं वो काफ़ी सरापा एहतजाज हैं कि जो बॉयज़ स्कूल है संगोट में सरकारी स्कूल है इसकी जो इमारतें हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को सिक्योरिटी देना, इनके हवाले से सोचना। तो हमने देखा है कि यहाँ पर आके कि काफ़ी ख़तरनाक बिल्डिंगें हुई हैं, काफ़ी दराड़ें भी इसमें मौजूद हैं, तो क्या आपके पास कोई टीमें नहीं आएँ या आपने इसकी शिकायत नहीं DO साहब से की कोई वजह? मोहतरम सबसे पहले ये बात है कि 24 अक्टूबर को जो जल्जला आया है उसमें तकरीबन मोस्टली जो स्कूल की इमारत हैं वो ज़्यादा डैमेज हुई हैं। इसी हवाले से हमारी स्कूल की जो बिल्डिंग थी ये भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा, यानी पीछे तकरीबन 20-22 फुट जो है द्वार है वो गिरी है। स्कूल के अंदर जो है कमरा जात जो हैं उनको उनके अंदर बड़ी बड़ी दराड़ें जिस तरह के आपने देखा है आई हैं। आवाम इलाका की भी शिकायत हैं कि आपने बच्चों को अंदर बिठाया हुआ है, गाय गाय इक्का दुक्का आते हैं वो भी शिकायत करते हैं, लेकिन इस नागानी सूरत हाल के पेश नज़र हम अदारा बंद भी नहीं कर सकते। तो जो कुछ हमें प्रोवाइड किया है उन्होंने, दो टेंट हमें उन्होंने दिए हैं उन टेंटों के अंदर और फिर हाल के अंदर, फिर हमारे पास जो ग्राउंड है मुसरसा उसके हमने लगाई हुई क्लासें, तो ये सिलसिला जो है वो जारी किया हुआ। नहीं, सिलसिला तो आपने जारी किया हुआ है, जैसे कि दो टेंट हैं आपके पास में, बच्चे भी तादाद भी ज़्यादा, कुछ बच्चे हमने देखे जो क्लासों के अंदर मौजूद हैं मगर बिल्डिंगें काफ़ी पुरानी हैं जी। तो हमने जितने भी साहब इकतदार हैं इख्तियार हैं हमने अपनी शिकायत जो है उन तक पहुँचाई है, DO साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया है कि हमारे पास टेंट जो है ये नाकाफ़ी हैं, हमें मज़ीद और टेंट दिए जाएँ। इसी हवाले से हमने DC साहब को भी कहा है कि हमारी बिल्डिंग जो है सबसे बड़ी मेन बात जो है वो ये है कि बाकी इमारात जो हैं उनको चेक किया गया है, हमारी ये जो बिल्डिंग है इसमें कोई भी साहिब इक्तदार जो है वो यहाँ नहीं आया ये देखने के लिए कि आया ये बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, ये ज़्यादा परेशानी है हमारे लिए। और बाकी इमारतों का उन्होंने जिक्र किया है कैन बी ओपन्ड आफ्टर रिपेयर, तो इस हवाले से हमें यह ज़्यादा परेशानी है कि हमारी बिल्डिंग जो है आज तक 16 दिन गुजरने के बाद इसे किसी ने चेक नहीं किया, इसके अंदर जो नुकसान हुआ उसका उसके हवाले से किसी ने जो है ना वो नहीं। तो आपने DO साहब को एप्लीकेशन लिखी है, जैसे आपने बताया कमीशन साहब को भी लिखी है, उसके बावजूद भी कोई अमल दरामद, ये दो दिन पहले हमने बिल्कुल कोई बंदा नहीं अभी तक नहीं आया, बल्कि नाराज मैंने जो है रब्ता किया है तनवीर कलेशी साहब से, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। बिलाल साहब थे इंजीनियर थे मस्ट के गालबन, अल्लाह ताला उनका भला करे, वो उन्होंने 3-4 दफ़ा जो है ना वो फ़ोन उठाया लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो गया है। इस वाले से तो अभी आप क्या चाहते हैं कि ये आपका कैसे रिपेयर भी होगा और कौन सा इदारा जिसकी जिम्मेदारी ले ये इतनी साफ जाहिर है ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लेवल का काम है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो अदारा है इसको अगर कोई चेक करे आके और ये हमें बताए कि आए ये काबिल इस्तेमाल है भी है या नहीं, हमें सर दस ये परेशानी है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा आए आके देखे हमें इस बिल्डिंग को देखे कि आया ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं। जी जैसे कि आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी है, इनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं इंजीनियर हैं जो भी हैं इसको आके हमें सर्टिफिकेट दें कि हम बिल्डिंगें इस्तेमाल करें या ना करें। दूसरा आपको ये भी बताते चलें कि जो बड़े बड़े लीडर हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएँ, सर सरकारी स्कूलों की ये पोजिशन है कि हमने देखा कि इसकी बिल्डिंगें भी काफ़ी पुरानी हैं और बच्चों की तादाद भी काफ़ी माशाल्लाह ठीक तो होगी है मगर बिल्डिंगें वही हैं पुरानी हैं, इसमें कोई रिपेयरिंग का काम नहीं शुरू किया गया है कोई कुछ नहीं। हम भी कहते हैं कमीशन साहब को कि तमाम जो ऐसी बिल्डिंग हैं उनके बारे में जो सरकारी तौर पे बिल्डिंग है उनका जल्दी से जायजा ला के तो उनको अमल दरामद में लाया जा के वो ठीक हो। प्राइवेट लोगों की काफ़ी शिकायत मिल रही हैं कि जो सर्वे टीमें हैं वो सर्वे तो करके जा रही हैं मगर हमें को प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं दी जा रही कि हम आगे क्या किया जाए इसके बारे में। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।